मैं चौकीदार हूं। भाजपा द्वारा चलाया जा रहा अभियान अब कांग्रेस के निशाने पर है। कांग्रेस नेताओं की माने तो भारत को चौकीदार की नहीं बल्कि सैनिक की जरूरत है, जो देश की रक्षा कर सके और देश को लूटकर भारत से भागने वालों को पकड़ सके, उनकी जरूरत है। बड़े बड़े राफेल जैसे घोटाले ना हो, उसे रोकने वालों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज देश में चौकीदार बनाए जा रहे हैं, जिससे ये ज्ञात होता है कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है और इसलिए सभी को चौकीदार बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि सभी अपनी सुरक्षा खुद करें। शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद और प्रदेश प्रवक्ता जगमोहन मल्होत्रा ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि रक्षा मंत्रालय से फाइलें गुम होती हैं और देश का चौकीदार सोया रहता है। वहीं देश के चौकीदार के नाक के नीचे से करोड़ों रुपए के घोटाले कर लोग भाग जाते हैं, लेकिन चौकीदार कुछ नहीं करता। शायद देश के चौकीदार की विफलताओं के चलते भाजपा कार्यकर्ता अपने आप चौकीदारी करने को मजबूर हो चुके हैं। और ये भी कहा कि आज देश के युवा बेरोजगार चौकीदार की नौकरी पाने को भी तरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश का प्रधानमंत्री रोजगार तो नहीं दे पाए, लेकिन सभी को चौकीदार बनाने में तुले हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, इन जुमलेबाजी सरकार की जुमले भी बदलते जा रहे हैं। जब ये सत्ता में पिछले इलेक्शन लड़ रहे थे तब ये चाय वाले थे, उसके बाद जब ये चाय वाला इनका ढीला पड़ गया, फिर उसके बाद ये प्रधान सेवक बन गए, और अब एक नया जुमला इन्होंने देश के अंदर निकाला है कि मैं भी चौकीदार हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चौकीदार तो अमीरों के यहाँ होते हैं, किसानों के घरों में और गरीबों के घरों में कोई चौकीदार नहीं होते हैं। और चौकीदार क्या उस समय सोया हुआ था जब देश का धन लेकर नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे चोर आज दूसरे देशों में जाकर बैठे हैं, तो उस चौकीदार ने अपनी चौकीदारी क्यों नहीं ढंग से करी? और मैं पूछना चाहूँगा कि आज कहाँ है नौकरियां युवाओं के लिए? 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा इस सरकार ने किया था, पर क्या आज वो सबको चौकीदार बनाने पे तुली है? और सच्चाई तो ये है कि आज चौकीदार की नौकरी पाना भी हमारे देश में बहुत मुश्किल है। एमए पास, बीए पास लोग भी हैं जो बहुत एजुकेटेड भी हैं, कई कमियों के कारण आज जो है हमारा देश में चौकीदार बनना भी एक बहुत मुश्किल बात है। पता नहीं ये लोग जो अपने आप को लिख रहे हैं कि मैं भी चौकीदार हूँ, वो किस पोस्ट पर और कहाँ के चौकीदार हैं, किस देश के चौकीदार हैं? जिस देश में राफेल की फाइलें रक्षा मंत्री के ऑफिस से चोरी हो जाती है, ये कैसी देश की चौकीदारी हो रही है? इससे पहले बड़ी शान से लोग अपने आगे लिखते थे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, व्यापारी, डिग्री, अपनी डिग्री लिखते थे। अब वो हमारे देश के चौकीदार कह रहे हैं कि अब सब लोग चौकीदार बन जाएं। यानी कि आज भी किसान को चौकीदार की जरूरत नहीं है, वो अपनी फसल की रक्षा खुद करता है। आज व्यापारी को अपने सामान की रक्षा के लिए किसी चौकीदार की जरूरत नहीं है, वो अपने सामान की रक्षा करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने सामान की रक्षा करता है, इसलिए चौकीदार की जरूरत नहीं है। बच्चों को डिग्रियों की जरूरत है, कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, आगे बढ़े और देश को आगे विकास के राह पे लेकर जाएं। ये नारे लगाने से भी, सबको चौकीदार बनाने से देश चल जाएगा? नहीं चलेगा, बहुत पिछड़ेगा। तो ये बातें हमें भूल जानी चाहिए। नीरव मोदी भाग गया, ललित मोदी भाग गया, माल्या भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया, और चौकीदार कहाँ था पता नहीं। अब वो कह रहे हैं कि अपने चौकीदार खुद बने, जैसे कि बसों पे लिखा होता है कि सवारी अपने सामान की जिम्मेवार है। इसका मतलब चौकीदार बेकार है, ये कुछ नहीं कर सकता। इसलिए देश को बचाना है, हमें सिपाही बनाना है। अगर आप खुद अपनी रक्षा करेंगे तो इस चौकीदार की जरूरत नहीं है, चौकीदार बेकार है। जो बार बार कह रहे हैं कि हाथ पे लिख लो चौकीदार, उससे क्या होगा? क्या देश बदल जाएगा? क्या देश ये बात भूल जाएगा कि राफेल में बेईमानी हुई है या चौकीदार बेकार है? कोई नहीं भूल सकता। हिंदुस्तान की जनता है, ये हर व्यक्ति को अच्छी तरह पहचानती है। जो मर्जी नारे लगाएं, लोग आज भी पूछ रहे हैं कि 15 लाख हमारे अकाउंट में आए, 2 करोड़ नौकरियां मिली, किसानों के साथ क्या हो रहा है इस देश में, ये अच्छी तरह से जानते हैं। मुद्दे विकास के हैं, बकवास के नहीं। ये बात आप सोच लें और अच्छे लोग चुन के लाएं, अच्छी पार्टी चुन के लाएं, और ये चौकीदार को देश से भगाएं।